आज हालात यह है कि पूरी तरह से चुनावों में धांधलीबाजी और बेईमानी की जाती है। वोट हम किसी को देते हैं और ज्यादा किसी को है, और किसी भी हालत में जो मौजूदा सरकार है जो स्टेट के साथ जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसको उखाड़ के फेंकना है। 2024 के बाद जो होने वाला है उससे आप पूरी तरह गुलामी में चले जाएंगे और दोबारा से आपको इस देश में आसानी से ना रोटी मिलेगी, ना कपड़ा मिलेगा, ना मकान मिलेगा। अरे मंदिर तो हजारों मंदिर इस देश में है, एक मंदिर तो था। 22 तारीख को आपने देखा कि पूरे देश में जो भगवाकरण है, इस तरीके से घर घर में झंडे, जैसे कोई सरकार का कार्यक्रम है। SC ST OBC हटा करके हम लोग से कोई पूछे किस समाज का हो तो सीधा आज से बहुसंख्यक समाज कहा जाए। अगर बहुसंख्यक समाज हम कहेंगे तो उससे क्या होगा, कुछ जलाब जातियां जो है सबसे पहले यही पूछती है। जैसे मेरा नाम कामता प्रसाद है, हमने बहुत लोगों से हमने देखा जो जलाब जातियां है, किसी का नाम नहीं ले रहे हम, उसमें एक खासियत है। पूछे कांता प्रसाद तो कहाँ घर पड़ा, किस जाति से है, उसको संतुष्टि नहीं होती, तो किसी न किसी तरीके से आपके जाति के बारे में जानकारी लेती है। और अगर हम उस जाति के ऊपर जाति के सरकार जाए तो सकता है आने वाले 2-4 सालों में उन लोग इतने भी से समझ बैठेंगे कि उन लोग में एकता है। उन लोग को अच्छी तरह पता है कि हमारी एकता नहीं है, लोग में कोशिश करते हैं। आज थोड़ा सा संगठित होने पर हमारा बिहार जैसे राज्य में जाति जनगणना है, उसका परिणाम क्या हुआ, कर्पूरी ठाकुर जैसे आदमी को जो कभी नाम नहीं लेना चाहता था उसको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। इसलिए जाति जनगणना होना जरूरी है। और आज से हम लोग कोशिश करें कि कोई हमें पूछे किस जाति का है तो बिल्कुल साफ बोले बहुसंख्यक जाति के। धन्यवाद साथियों। आज से 2-3 दिन पहले हमारे बहुत पुराने साथी महेश मानव जी और उनके साथ में दूसरे साथी मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आए और उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी दी और वहाँ कहा थे, उन्होंने मुझे निमंत्रण भी दिया कि भाई आपको इस कार्यक्रम में आना है और अपनी बात भी रखनी है। मैं साथियों कुछ लोगों को सुनना चाहता था लेकिन मंच संचालक महोदय ने मेरा नाम आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि मैं 2 शब्द आपके बीच कहूँ। साथियों ये जिद्दोजहद जो आज इस महाकुंभ में हम यहाँ कर रहे हैं, ये हमारा सैकड़ों साल का इतिहास है और अगर उस इतिहास के बारे में हम पूरी जानकारी जुटाना चाहें या बताना चाहें तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही नामुमकिन बात है। मेरे बोलने से पहले जब मुझे मेरे परिचय के बारे में बुलाया गया कि आप कहाँ से हैं, आप क्या हैं, मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, मुझे काफी सोचना पड़ा। साथियों आज तेजेंद्र सिंह झल्ली जो बामसेफ के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो कभी बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम जी के बाद में थे और मैंने बामसेफ में कांशीराम जी के साथ शुरुआती दौर में कंधे से कंधा मिला के काम किया। लेकिन किन्हीं कारणों जब हमें कांशीराम जी से अलग होना पड़ा तो मैंने मखूबी जल्दी साहब के साथ भी 10 साल तक काम किया। बामसेफ की तरफ से एक साप्ताहिक अखबार निकलता था जिसका नाम बहुजन संघर्ष था, उसका भी मैं संपादक रहा, उसको भी मैंने
जब तक मैं दिल्ली साहब के साथ रहा वो जिम्मेदारी मैंने पूरी तरह से निभाई। विजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि विज्ञान और मुद्दों पर, साथियों मैं मुद्दों पर अभी आ जाऊंगा। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं परीक्षा में जितने भी काफी हमने ऑर्गेनाइजेशन बीच बीच में बनाए वो ये सोच के बनाए कि अगर ये हथियार से काम नहीं होगा तो इस हथियार से काम करेंगे, अगर इस हथियार से काम नहीं होगा तो इस हथियार से काम करेंगे। लेकिन साथियों उसके बावजूद भी हम अभी भी उस मंजिल की तरफ आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं जो मंजिल तक हमें जहां तक हमें जाना चाहिए। आप साथियों पैगाम WTP और अन्य संस्थाओं ने जो ये कार्यक्रम किया है और इसमें जो मुद्दे उन्होंने रखे हैं ये मुद्दे कोई नए मुद्दे नहीं है। आरक्षण संविधानिक आरक्षण होते हुए भी आज भी हम आरक्षण की भीख मांग रहे हैं। पहले कभी बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव हुआ करते थे लेकिन राजीव गांधी जी यहाँ पर ईवीएम मशीन लेकर आए, ईवीएम मशीन से यहाँ चुनाव होने शुरू हुए लेकिन उनमें जितनी त्रुटियां उस मशीन के अंदर सामने आई उससे चुनाव ही डगमगा गया। आज हालात यह है कि पूरी तरह से चुनावों में धांधलीबाजी और बेईमानी की जाती है, वोट हम किसी को देते हैं और जाता किसी को है। साथियों आज देश की मांग है कि ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। दूसरा साथियों जो जनगणना का मुद्दा है कि जनगणना का मुद्दा भी हम पिछले 10 साल से हम अलग अलग मंचों से जोर शोर से उठाते आ रहे हैं लेकिन इस देश की जो सरकार है उसकी कानों पर दूर तक नहीं रह गई। लेकिन इसका इलाज क्या है साथियों? अभी तो 2024 है और 2024 में आने वाले 5 साल का निर्णय होना है कि देश को कौन बचाएगा और कौन खत्म करेगा। जो तांडव 22 तारीख को आपने देखा कि पूरे देश में जो भगवाकरण है, जिस तरीके से घर घर में झंडे, पूरी मार्केटों में झंडे, मैं आया था 23 तारीख को कनॉट प्लेस में किसी काम से तो पूरे गोलाकार में जो इनर सर्कल है, पूरे इनर सर्कल के अंदर जिस तरीके से लड़ियों से उसको बांध दिया गया हो जैसे कोई सरकार का कार्यक्रम हो रहा हो। साथियों कैसे आप मतलब आगे बढ़ेंगे? अरे मंदिर तो हजारों मंदिर इस देश में है, एक मंदिर तो था जिस मंदिर वो आपने वहां पर एक छोटा नहीं एक बड़ा उद्योग धंधा वो खड़ा कर दिया, करोड़ों रुपए रोज वहां चढ़ावा जाता है। अच्छा साथियों बार बार मुझसे हमारी बहन जी कह रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मित्रों साथियों आज हमारे यहाँ बड़े सीनियर साथी विजेंद्र यादव जी जैसे लोग और दूसरे हमारे जल्दी साहब जैसे लोग, हमारे गोलू साहब जैसे लोग, दिगार साहब जैसे लोग इस मंच पर विराजमान है। साथियों एक आवाज दो कि हमें एक मिलकर संघर्ष करना है और किसी भी हालत में जो मौजूदा सरकार है जो स्टेट के साथ जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है इसको उखाड़ के फेंकना है, तभी जाकर हम आगे के जो देश है उसके भविष्य के बारे में कुछ सोच सकते हैं। नहीं तो साथियों 2024 के बाद जो होने वाला है उससे आप पूरी तरह गुलामी में चले जाएंगे और दोबारा से आपको इस देश में आसानी से ना रोटी मिलेगी ना कपड़ा मिलेगा ना मकान मिलेगा। साथियों जी शब्दों के साथ मैं आपका सबका आभार करता हूँ। जय वीर जय भारत।